हेलो गाइस, आज हम बना रहे हैं मिक्स सरसों का साग है जो बथुआ और पालक मिला के इसकी भुजिया बना रही हूँ। तो लोग उपमा बनाते हैं लेकिन हम इसकी ऐसी भुजिया बना रहे हैं जो सादी रोटी के, गेहूँ की रोटी के साथ ही बहुत अच्छी लगेगा खाने में। कई दिन के बाद हम आए हैं, आज सोचा ये थोड़ा सा आपके साथ शेयर करें। ये रात के खाने में हम बना रहे हैं दाल के साथ ही। इसे मैंने मिक्स साग किया, बथुआ, पालक और सरसों। तो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज। भी बनता है तो फिर दिखाते हैं, बहुत जल्दी हो जाता है ये। इसको मैंने लहसुन और लाल मिर्चे से छौंक मारी है और बस वो सॉल्ट डालो और कुछ नहीं। ये ऐसे खाने में बहुत अच्छा लगता है। बाजार का कटा हुआ साग है तभी इतना मोटा मोटा है, नहीं तो हम काटते हैं तो घर में अगर लेके काटते हैं तो बहुत महीन महीन काटते हैं। देखिए थोड़ा मोटा मोटा दिख रहा है ना, इतना कितना बड़ा बड़ा काटा है। ऑनलाइन मंगाने से यही है। सूख गया ये, उस पानी सूख गया इसका। हो गया ये पानी सूख गया, बस फिर हम प्लेटिंग करते हैं इसकी। उसकी बस भुजिया बनने में टाइम नहीं लगता है। अब उसको वैसे बनाइए, मक्के की वो गीला साग, सरसों का घोटवा साग, उसमें फिर अब मक्के की रोटी चाहिए होती है, नहीं तो गेहूँ की रोटी के साथ भी खा लेंगे। देखिए हो गया है, डंडिया में पक गई हैं। सब्जी तो खाते हैं सूखी, तो इसको भी तो खाना चाहिए। हरा साग जो हम लोग खाते नहीं है, बहुत कम यूज होता है, इसकी जरूरत बहुत ज़्यादा होती है बॉडी में। दुनिया भर के मिनरल्स, प्रोटीन्स और विटामिन क्या क्या होता है आप लोग कुछ पता ही है। पानी सूख गया इसका, फिर हम प्लेट करते थे। उस पानी सूख ही गया, थोड़ा सा और है। ये देखिए बिल्कुल सूख गया, ये हो गया, बहुत जल्दी हो गया। गैस करते हैं और इसको करते हैं प्लेट में। ये देखिए गाइस कितना अच्छा लग रहा है देखने में, हरा हरा। जब रोटी से खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, ये बहुत टेस्ट आता है इसका। तो ये देखिए गाइस, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट।